स्विच ऑन लाइट ऑन, स्विच ऑफ लाइट ऑफ। अभी देखो मैं पास दे रहा हूँ, पास आपका काम करेगा एकदम 100%। आप खुद घर पे कर सकते हैं इसको। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ इसके टैंक पेजेस के लिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका बाली। और आज बात करेंगे कि AHO यानी कि ऑल टाइम हेडलाइट ऑन को कैसे बंद करें बिना किसी तार काटे, और वो भी मात्र 60 रुपये में। तो सबसे पहली बात कि अगर मेरे को AHO बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो पहली ज़रूरत ये कि जब हेडलाइट दिन में लगातार चलती रहती है तो जो इसका DRL होता है साइड में रिंग जैसा, वो इतना इफेक्टिव दिखता नहीं है। अगर हेडलाइट बंद होगी तो DRL देखने में भी आपको अच्छा लगेगा, तो मैं बाद में आपको वो दिखाऊंगा। और दूसरा कारण ये कि जब ये हेडलाइट लगातार चलती रहेगी तो ये इसका रिफ्लेक्टर डोम है वो कुछ दिनों बाद डल पड़ जाएगा, ठीक है। और तीसरा ये कि अगर आपकी हेडलाइट लगातार चलती रहती है तो आपके जो अल्टरनेटर है आपकी गाड़ी में लगा हुआ, वो उसको भी काम ज़्यादा करना पड़ता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो भाई मैंने यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सर्च किया इसके बारे में, और कई लोग तो नोवाट्रॉनिक्स की 1400 के करीब की टारी है वो बेच रहे हैं, और साथ में उसकी अर्थिंग भी करनी पड़ती है अलग से। तो मैं आपको सिर्फ 60 रुपये में मिंडा का एक जेन्युइन स्विच आता है वो यूज़ करेंगे बिना कोई तार काटे हुए, तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल नया है, सब्सक्राइबर्स की बहुत ही कमी है, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और ज्वाइन करिए मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक मिंडा का स्विच, ये 65 रुपीज़ इसकी MRP है, मेरे को 60 रुपये में मिल गया था। और एक इंसुलेशन टेप, एक स्क्रू ड्राइवर जो आपकी गाड़ी में ही आपकी किट में मिल जाएगा आपको, एक कटर इसलिए कि इसकी तार मेरे को थोड़ी सी छीलनी पड़ेगी, और एक प्लायर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडलाइट के साइड में दो नट होंगे, स्टार वाली साइड पेचकस आपको चाहिए होगा। बड़े प्यार से इसको खोल लीजिए, और दूसरी साइड भी एक ऐसा ही नट है। जब नट खुल जाते हैं तो इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना है, हेडलाइट को पकड़े थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, ऐसे बिल्कुल आराम प्यार से खुल जाती है। सबसे पहले ये प्लग है, 3-पिन प्लग होता है, इसको निकाल दीजिए इस तरह से। और एक स्विच है साइड में दिख रहा होगा, तो इसको प्रेस करेंगे और ये आसानी से निकल जाता है। और इसको पहले अच्छी सेफ जगह पर रखते हैं, और उसके बाद इसको खोल लेंगे। ये प्रोटेक्टर होता है जो रिफ्लेक्टर डोम की हीट को आगे वायर हार्नेस तक नहीं जाने देता है। तो इसको खोल लेंगे, प्लास्टिक के नट बड़े प्यार से खोलेंगे तो आराम से खुल जाएंगे। इसको भी रख दीजिए साइड में। अभी ध्यान रखने वाली बात, जैसे इधर आता है पीछे पास वाला स्विच है, इधर से ही एक वायर आ रही है नीचे से, आप ध्यान रखें, तो इधर साइड में घुस रही है। तो इधर इसको देख लेंगे, ये 6-पिन सॉकेट होगा वाइट कलर का इस तरह से, ठीक है। ये वाला जिसमें मैं अभी हिट कर रहा हूँ, ये वाला सॉकेट 6-पिन का, इसको पहले खोल लेते हैं, ठीक है। इस तरह से खोल लिया। और अभी ध्यान रखने वाली बात कि कलर कोड का ध्यान रखना है, ये रेड और येलो कलर कोड है, रेड येलो, ये कॉर्नर में मिलेगी आपको बिल्कुल इधर, इसको निकालना है बीच में से। ये लॉक रहता है जैसे, इसके बीच में डालेंगे तो इसको प्रेस करेंगे, इसका लॉक अंदर खुल जाता है और ये निकल जाएगा आराम से इस तरह से, ये निकल गया। ध्यान रहे कि रेड एंड येलो कलर कोड, रेड एंड येलो अगर आपको दिख रहा है तो रेड एंड येलो, इसको निकाल लिया हमने। अभी हम मैं लेके आता हूँ अपना स्विच। तो इस तरह का ये स्विच रहता है मिंडा का। तो इसका जो क्लैंप है ये भी आयरन ग्लेवनाइज्ड है, अगर आपकी गाड़ी बारिश में भी खड़ी रहती है तो रस्ट लगने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं पहले फिट करता हूँ इसके राइट साइड, तो सबसे अच्छी साइड है जो इसका लगाने की, वो है इस साइड कोने में, कुछ इस तरह से यहाँ पे फिट हो गया, ये बिल्कुल टाइट हिल नहीं रहा है। और अभी क्या करेंगे कि ये वायर को इसी साइड से, जगह रहती है पीछे से, इधर से अंदर डाल देंगे हेडलाइट वाली जगह में पीछे से, ठीक है। और क्या करना है कि जो स्विच वाली तारें हैं दोनों, जो स्विच से अंदर लिया हमने, स्विच की दो तारें होंगी, एक क्लैंप मैंने लगा रहने दिया, एक का क्लैंप हटा दिया, ठीक है। और जो क्लैंप लगा हुआ है उसको हम इधर ही घुसा देंगे, इसका थोड़ा सा लॉक मैं उठा दूंगा,
ताकि लॉक लग जाए जैसे पहले था। जो वायर मैंने हटाई है ना रेड जेलो, उसी की जगह इसको लगा देना है, रेड जेलो कलर कोड की जगह ये वायर क्लैंप में लग जाएगी। इसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से फिक्स कर दे ताकि ये अच्छी तरह से लॉक हो जाए, अंदर बाहर ना निकले। अब ये लग गई है, ठीक है। और जो रेड येलो वायर है ना कलर कोड और स्विच की तार बची है, इन दोनों को जॉइंट कर दीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छी तरह से इसको ट्विस्ट कर दीजिए और इंसुलेशन टेप लगा देते हैं इसके ऊपर। अच्छी तरह से इंसुलेशन करना है इसको, ठीक है। देखिए इंसुलेशन कर दिया टेप, ठीक है। दूसरा तार जो स्विच की वो इसमें लग गई, ठीक है। सिंपल, एक बार फिर से बता दूं, क्लैंप हटाना है सिक्स सॉकेट वाला और रेड येलो वायर को हटा देना है, निकाल देना है, और स्विच की एक तार उसी की जगह क्लैंप की जगह लगा देनी है, और जो रेड येलो वायर निकाली है उसको स्विच की दूसरी ग्रीन वाली तार से जॉइंट करके इंसुलेशन कर देना, और बाद में एक क्लिप दोबारा से लगा दीजिए टाइट करके, ठीक है। अभी इसको एज इट इज़ फिर से बंद कर देना है, सिर्फ ये वाला क्लैंप बाहर रखिए, बाकी को ऐसे थोड़ा सा अंदर प्रेस कर दीजिए और इसको लगा देते हैं। तो इस तरह से ये फिट हो जाने के बाद क्लैंप फिर से लगा दीजिए, थ्री पिन प्लग, और ये सॉकेट नीचे वाला आराम से इस तरह से, और इस तरह से लॉक ऐसे बिठाइए ऊपर और बिल्कुल प्यार से इस तरह से बंद कर दीजिए दोनों साइड से ऐसे। स्क्रू जब तक स्क्रू लगाते हैं तो थोड़ा आगे हाथ सपोर्ट से रखिए ताकि गिरे ना। इस तरह से, तो इस तरह से अपनी हेडलाइट फिक्स हो गई है। तो अभी देखते हैं कि काम कैसे करता है। हेडलाइट चल रही है तो अच्छा, एक मिनट, अच्छा स्विच ऑन है हमारा, स्विच ऑफ कर दिया, लाइट ऑफ, स्विच ऑन लाइट ऑन, स्विच ऑफ लाइट ऑफ। देखिए अभी स्विच ऑफ है और पास स्विच चेक करते हैं। अभी देखो मैं पास दे रहा हूँ, पास आपका काम करेगा एकदम 100%। देखिए, और जब लाइट ऑन करनी है, ऑन किया, लाइट ऑन, ठीक है, पास कर रहे हैं। सिंपल, देखिए आप खुद घर पे कर सकते हैं इसको। और अभी देखिए एक चीज़ में जिसके लिए मैं कह रहा था, और अभी DRL देखिए इसकी अच्छी लग रही है ना, और जब हेडलाइट चल जाती है ना तो ये उतनी इफेक्टिव दिखती नहीं है, और अभी देखिए देखने में भी अच्छी लग रही है, और रिफ्लेक्टर भी आपका सेफ हो रहा है, बैटरी आपकी सेफ हो रही है, अल्टरनेटर आपका सेफ हो रहा है, और सिर्फ 60 रुपये में। कोई आपको नोवाट्रॉनिक्स की किट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको वारंटी वायर नहीं होगी आपकी इससे। तो देखा आपने एक कितना आसान है एक स्विच फिट करना, मिंडा का स्विच 60 रुपये का आता, कहीं से भी ले सकते हैं। नोवाट्रॉनिक्स की जो 1400 रुपये किट आती है, उसको बाद में अर्थिंग भी लगानी पड़ती है, तो वो करने की झंझट में आपको पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर और भी कोई क्वेरी है आपकी, स्विच कैसे लगाना है, आप मेरे को इंस्टाग्राम, मेरी आईडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी, आप वहाँ पे आपको मेरे को DM कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी होगी मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा, यूट्यूब में भी आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ इसके टैंक पैजेस के लिए। टैंक वेजेस मैंने वेंडर को ऑर्डर दिया है, 4 वेजेस मैं बना रहा हूँ। अगर मेरे को उसकी क्वालिटी पसंद आ गई, स्टील के वेजेस हैं, ग्लॉसी लुक होगी ऊपर से, अगर मेरे को पसंद आ गए तो मैं आपके लिए वो लेके आने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, अगर जो मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं वो चाहते हैं अपने लिए बनवाना, तो मैं कोशिश करूँगा कि 500 से उसको नीचे रखूँ उसकी कीमत, और क्वालिटी उसकी टॉप नोच हो। और दूसरी यही अपग्रेड मैं इसकी हेडलाइट भी करने जा रहा हूँ, आपको मैं बताऊँगा कि इसकी हेडलाइट कैसे चेंज करनी है। इसका अपग्रेड, इसकी हेडलाइट बहुत ही अच्छी मेरे को मिली है, इसकी LED नहीं डालेंगे बिल्कुल, LED के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि इसका डोम है, जो रिफ्लेक्टर डोम है, वो LED के लिए नहीं बनाया है। हेलोजन बल्ब आपको मैं ऐसा लगा के दूंगा कि आप बोलेंगे कि वाह, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो इसकी हेडलाइट अपग्रेड करके दिखाऊंगा और इसका बल्ब कैसे चेंज करते हैं। तो ये वीडियो मेरी आपको ये वाली कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो भाई मेरी छोटी सी YouTube फैमिली ज्वाइन कीजिए, आपका वेलकम है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।